नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्निहोत्री। नजर डालते आज की प्रमुख खबरों पर। रामबाई स्मृति महाविद्यालय डभौरा में परीक्षा चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड से बदसलूकी कर परीक्षार्थियों ने तोड़े कुलपति के गाड़ी के शीशे। मस्जिदों की तैयारियां हुई पूरी, गुरुवार से हुई रमजान के पाक महीने की शुरुआत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रीवा दौरा तय, 18 मई को आएंगे रीवा। किसानों की कर्ज माफी, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। संभाग का इकलौता केंद्रीय पुस्तकालय कर रहा पाठकों का इंतजार, धूल खा रही महंगी और ऐतिहासिक किताबें। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों को दिए गए मेटल डिटेक्टर, जानकारी न होने से मशीन महज खाना पूर्ति। भमराहा बांध का कार्य बिना पूरा हुए हुआ लोकार्पण, मऊगंज विधायक ने लगाया प्रभारी मंत्री पर आरोप। और अब खबरें विस्तार से।